क्या नाम है आपका, क्या मामला है, पूरा मामला बताओ। मेरा नाम चंद्रा है और मेरी शादी गौतम चंद जी पुत्र धर्मचंद जी से 14 साल पहले हुई थी। मेरी शादी को 14 साल हो गए। 6 माह पहले एक सड़क दुर्घटना में मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट डेथ हो गई थी, ठीक है ना। उनके बाद चलो डेथ हुई तो इन लोगों ने मेरे को रखा उस टाइम, ठीक है। और जैसे एक मंथ पूरा हुआ, एक महीना पूरा होते ये लोग मेरे को टॉर्चर करने लगे कि तू तेरा देख तेरा खा। और मेरे के खुद से ना क्लेम के पैसे आए 35 से 40 लाख रुपए। मेरे पे ना 30 लाख का लोन, 25 से 30 लाख का लोन है, ठीक है। मेरे को हमेशा नोटिस आते हैं उसके और मेरे को पुलिस की धमकी आती है, ठीक है। तो आखिर मेरे को वो भरना पड़ेगा। पीछे बचे 15 लाख रुपए। अब मेरे बच्चों को वो निकाल रहे हैं तो मैं अपने कैसे भरूंगी पैसे, मैं बच्चों का लालन पोषण पैक कैसे करूं। ये है ना, करीबन परसों की घटना है, इन लोगों ने मेरे को अपने घर की 5-10 औरतों को बुला के और मेरे देवर भरत और मेरे बड्डी ससुर का लड़का संपत जी मेरे को खींच के, मेरे कपड़े अस्वस्थ करके, मेरे को झीटों से खींच के मार पीट करके बाल निकाला, बाहर फेंक के नीचे गिराया और इन्होंने ताला लगा दिया। मैं उस टाइम कोतवाली के पास गई, कोतवाली से रिपोर्ट की। उस टाइम कोतवाली ने पुलिस भी भेजी मेरे घर, मेरे घर पुलिस भेजी, उन्होंने कुछ नहीं किया, ताला खुलवाया नहीं, कुछ नहीं किया। ओके बेटा तू चुप रहे, कल सुबह होने दे। मैंने वेट किया एक रात का, मैं उसी रात उसी घर उठे के परसों हो गई दो बच्चों को लेके। दिन पूरा कल मैं 8 बजे को पहले मैंने मेवाराम जी को फ़ोन लगाया, मेवाराम जी को कॉल लगाया कि मेरे साथ ये चीज़ हो रहा है और है ना आप कुछ करो। तो मेवाराम जी ने कहा तू जाने तेरा काम जाने, चलो ठीक है। फिर मैं गई महिला पुलिस थाना, महिला पुलिस में मैंने परसों ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कुछ एक्शन लिया नहीं। कल भी मैं जाके आई, कल भी उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं। फिर मैं एसपी के पास जाके आई, एसपी के पास भी ये रिपोर्ट देके आई, उन्होंने भी कुछ एक्शन लिया नहीं। ना तो कोतवाली ले रही है, ना महिला पुलिस ले रही है और ना ही है ना एसपी ले रही है, कुछ भी ले ही नहीं रहे। अब मैं क्या करूँ आप बताओ, मैं परेशान हो गई। ये आपको घर से कब निकाला है? परसों रात को निकाला है। किसने निकाला? ये मेरा वड्डी ससुर का लड़का जेठ संपत जी और मेरा देवर रियल है वो भरत, उनकी वाइफ माई और संपत जी की वाइफ पुष्पा और मेरे सास ससुर, उनके साथ कम से कम 20 से 25 लोग। किस लिए निकाला घर से बाहर? इसलिए निकाला, कहीं नहीं, वो कह के तू क्लेम के पैसे दे वरना तू जा। मैं क्लेम के पैसे दूंगी तो मैं अपने बच्चों का क्या कैसे करूंगी लालन पोषण। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे ये 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है, 5 साल का लड़का और 10 साल की गुड़िया है। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए। उनको बोलो ताला खोले, मेरे को मेरे घर पे बैठने दे। बस। तो आपके और कौन है घर में? घर में मेरे घर में कौन रहते है? सास ससुर हम सब साथ रहते थे, ठीक है ना। और है ना उन्होंने बोला कि हम मकान किराए ले रहे, तू भी निकल, ये मकान किराए दे रहे। देखो मेरे पास तो है नहीं देने को, मैं जाऊंगी नहीं, मैं इसी मकान में रही, तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें जाने को नहीं बोली हूँ, तुम भी बैठे रहो। तो क्या हम जाएंगे? तो वो अपना सामान निकालने लगे और मैं भी मेरा अपना सामान साइड में करने लगी। तो है ना उनके साथ 5-6 और लड़के मतलब 2 ठाकर वगैरह आए, वो उनका सामान साइड में कर रहे थे। तब मेरे को ठाकर आए तो मेरे को डर लगा, मैंने मेरे भाई को कॉल किया, भाई इन मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है तू आ। वो आके खड़ा हुआ ना, जैसे संपत जी आए इसकी गिद्दड़ी पकड़ी, इनका आमना सामना झगड़ा हो गया। मैं छुड़वाने गई तो मैं भी धक्का दिया, तो मेरे देवरानी ने ना मेरे को खींच बीच के तोड़ के रख दिया। फिर ये लोग जैसे बाहर गए, फिर उन्होंने ना केस किया, कहना सास ससुर को ठोका। सास ससुर को ठोकना होता तो मैं 14 साल होते भी मेरे हस्बैंड के मैं ठोक सकती थी ना, तभी तो मैंने सास ससुर को कुछ किया नहीं। 6 महीने पहले तुम इतने सारे होके मैंने एक सास ससुर को ठोक दिया, पीछे कोई तुम्हारे था ही नहीं। आपके सास और ससुर किसके पक्ष में? सास ससुर सब उनके पक्ष में। क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं? बस तू निकल जो बात कर। क्यों किस लिए निकल? कुछ नहीं, ओके कहा तो तू पैसे दे क्लेम के वरना तू निकल। तो आप क्या कहते हो? मैं पैसे मैं तो बोला मेरे 30 लाख का लोन है, मेरे को वो लोन भरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरे को भरना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे नोटिस आती है और मुझे ना पुलिस की धमकी आती है। आपका पीयर कहाँ है? पीयर है मेरा मूचो की गली में, तो पारक जी के घर। पीयर वाले पक्ष वाले क्या कह रहे हैं? पीयर वाले पक्ष वाले आए थे ना तो उनको मेरी मम्मी को आप पूछना, गली वालों को घसीट के बाहर निकाला है। मेरे पीयर वाले अब नहीं आ रहे, वो क्या मम्मी मारपीट करे, हम नहीं साथ दे रहे। तो अभी आप किससे मिलने आए हो? यहाँ से हम कलेक्टर को मिलने आई हूँ। ठीक है, नाम पूरा आपका क्या है? चंद्रा गौतम चंद जी मालू जैन। निवासी? निवासी जामे जी की गली। ठीक है, धन्यवाद।